डियर किड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 31। 31 इज हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर मस्ट बी अनशेडेड टू मेक द गिवन फिगर सिमेट्रिक अलोंग द डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन ऑलरेडी मेंशन है, तो इन्हें हमें बताना है कि हाउ मेनी शेडेड स्क्वायर्स को हम अनशेड करें सो दैट कि दोनों सेम हो जाए। ठीक है, तो नाउ चेक करते हैं। यहाँ पर देखो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नाउ यहाँ देखो आप, दिस इज ब्लैंक, तो हम किसे अनशेड करेंगे? इस वाले को, दिस वन इज फर्स्ट वन। ठीक, नाउ अब इसके बाद ये देखो, दिस इज करेक्ट। नाउ यहाँ पर एक इसके जो नियरेस्ट है, दिस इज अनशेडेड, बट यहाँ पर इसके जो नियरेस्ट है दैट इज शेडेड, मीन्स हम इसको अनशेड करेंगे और रिमेनिंग ऑल आर सेम। ठीक है, यहाँ पे देखो बाकी रिमेनिंग सेम है। ठीक है, तो हाउ मेनी स्क्वायर्स? टू स्क्वायर्स, फर्स्ट वन इन सेकेंड वन, तो बी इज द राइट ऑप्शन। फाइंड द डिफरेंस द प्लेस वैल्यूज ऑफ टू सेवन्स इन दिस नंबर। तो नंबर इज 4, 7, 6, 7, 8, 5। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 7 इज 7, 0, 0, 0, 0, बिकॉज 4 डिजिट्स आर देयर। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 7 को हमने यहाँ पुट किया, इसके पीछे कितने 0, 2, बिकॉज 2 डिजिट्स थे। नाउ डिफरेंस चाहिए, मीन्स माइनस, 0 से 0, 0, 0 से 0, 0, 0 से 7 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा, तो पहले ये बोरो देगा नियरेस्ट वाले को, इट बिकम्स 10, देन ये बोरो देगा इस वाले को, तो नाउ इट्स बिकम 10। लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्लैरिफिकेशन के लिए। 10 में से 7 माइनस किया तो 3, यहाँ 9, यहाँ 6, मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? 69,300। 33, फाइंड द सम ऑफ शेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर। हमें क्या करना है, जो शेडेड फ्रैक्शन है दोनों फिगर में, फिगर 1 एंड फिगर 2, उन दोनों को ही हमें क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है ना। तो नाउ टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इसमें कितने हैं? पहले इन फिगर 1 टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर देयर? अगर हम ऐसे करें 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स कितने हैं, कैसे काउंट करोगे? देखो 8 इक्वल पार्ट्स हो गए, मींस डिनोमिनेटर 8 हो गया। नाउ शेडेड पार्ट काउंट करना है ना, देखो 1, 2, 3, 3 सेंटर में, 1, 2, 3 आउटर में और 3 लास्ट वाले में, मींस सारे 3 को मिलाकर क्या बनेंगे? 3 कॉम्बिनेशन, बिकॉज एक में, एक पीस में 1, 2, 3 हैं, तो हाउ मेनी शेडेड पार्ट? 3, एंड टोटल इक्वल पार्ट्स इज 8, तो फिगर 1 का क्या हो गया? 3/8। नाउ इन दिस केस हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? 1, 2, 3, 3 रोज, हाउ मेनी कॉलम्स? 1, 2, 3, 4, 5, 5 कॉलम्स, तो 3 × 5 क्या हो जाएगा? 15, मीन्स इसके लिए जो इक्वल पार्ट्स हैं 15, एंड शेडेड पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। इसको अगर और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, तो 2/5। नाउ हमें सम फाइंड आउट करना है। नाउ नंबर इज 3/8 प्लस 2/5, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40। ठीक होता है ना, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू? एडिशन ऑफ 16 प्लस 15 इज 31 डिवाइडेड बाय 40, मींस बी इज द राइट ऑप्शन। फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन रेशियो विल फॉर्म अ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मीन्स है इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर है हमारा 35, 65 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो नाउ कैसे होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 35x इज इक्वल टू 56 × 65। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस लाइन x विल बी इक्वल टू 56 × 65 डिवाइडेड बाई 35। नाउ 7 की टेबल से 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56। नाउ 5 के टेबल से 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 13। नाउ 13 × 8 होता है 104, मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विल लाई टू द एक्सटीरियर ऑफ एंगल सी ओ डी। सी ओ डी मीन्स एंगल सी ओ डी। अब एक्सटीरियर पॉइंट क्या है? ई ए एस बी, ये तो इंटीरियर हो गया आर,
तो बी एस ए पी मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. नाउ क्वेश्चन फ्रॉम एवरीडे मैथमेटिक्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन ऑब्जर्वेशन शोज द नंबर ऑफ मास्क सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक. फाइंड द एवरेज सेल ऑफ द मास्क सोल्ड. तो हम सबको ऐड करेंगे. एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 37 प्लस 57 प्लस 48 प्लस 33 प्लस 39 प्लस 64 प्लस 86 डिवाइडेड बाई कितनी काउंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7. ठीक है, नाउ एडिशन करने के बाद 7 plus 7 14 14 plus 8 22 22 plus 3 25 25 plus 9 25 plus 9 34 34 plus 4 38 38 plus 6 44 4 power i 4 4 3 7 7 plus 5 12 12 plus 4 16 16 plus 3 19 19 plus 3 22 22 plus 6 28 28 plus 8 36 divided by 7. Now 7 से divide करो, 7 5 is 35, बचा क्या 1, 1 of 4 14, 7 2 is 14, means की 52, D is the answer. Average of a farmer borrowed 5500 at 8% per annum. ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 5500. ठीक है, रेट इज 8% एंड टाइम इज इक्वल टू 5 years. ठीक है, इसको हम एन से भी लिखते हैं और टी से भी लिख सकते हो. ही क्लियर द अकाउंट बाय गिविंग रुपी 6000 एंड अ काउ. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द काउ. तो सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे, देन उसको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड करेंगे. दैट विल बी इक्वल टू 6000 प्लस काउ. ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5500 पी इंटू आर इंटू टी और एन डिवाइडेड बाई 100. जीरो कैंसिल. नाउ 8 4 40 55 40 is equal to 4 5 20 की 0 power i 2, 4 5 20 और प्लस 222 पीछे का एक जीरो है. ठीक है, इंटरेस्ट. तो नाउ जो टोटल उसको पे करना है अमाउंट विल बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दैट इज 2200 प्लस 5500 दैट इज इक्वल टू 7700. इतना उसको पे करना है. इसके लिए उसने क्या पे किया, 6000 प्लस काउ. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ काउ क्या हो जाएगी, काउ इज इक्वल टू 7700 माइनस 6000 इज इक्वल टू 1700. मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन. राधिका अर्न रुपी 20,000 पर मंथ. शी स्पेंड्स 1/5 ऑफ द इनकम ऑन फूड, 3/10 ऑफ द इनकम ऑन हाउस रेंट एंड 9/20 ऑफ द इनकम ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन. हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विथ हर. ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले उसने फूड पर जो स्पेंड किया, फूड इज इक्वल टू 1/5 ऑफ 20,000 मीन्स 1/5 इंटू 20,000. ठीक है, तो 5 4 20 मीन्स 4000 rupees. ठीक है, नाउ 3/10 ऑफ इनकम ऑन हाउस रेंट इज इक्वल टू 3/10 इंटू 2000 से जीरो कैंसिल, तो दिस विल बी 6000. ठीक है, नाउ 9/20 ऑफ इनकम ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन. एजुकेशन पर 9/20 इंटू, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, टू से टू कैंसिल, मीन्स 1000. दिस इज इक्वल टू 9000. ठीक है, हाउ मच लेफ्ट. तो पहले तो उसने स्पेंड कितना किया, ऐड करो 10 और 9, 19,000. अब पूछा हाउ मच मनी स्टिल लेफ्ट. लेफ्ट मनी इज इक्वल टू हर इनकम मीन्स 20,000 माइनस स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर जो भी है दैट इज इक्वल टू 1000. ए इज करेक्ट फॉर दिस. देन आयुष बाउट अ स्कूल बैग
for ₹736.45 and a belt for this. He gave a note of 2000 to shopkeeper. How much amount will he get back from the shopkeeper? तो सबसे पहले तो उसने खर्च कितना किया, दैट इज 736.45. दिस इज द अमाउंट स्पेंडेड ऑन बैग एंड 384.85 स्पेंडेड ऑन बेल्ट. टोटल विल बी 5+5 10 की 0 पावर आई 1, 1+5 1+4 5, 5+8 13 की 3 पावर आई 1, 1+6 7 7+4 11 की 1 पावर आई 1, 1+3 4 4+8 12 की 2 पावर आई 1, 1+7 8 8+3 11. ठीक है, दिस इज द अमाउंट जो उसने खर्च किया. नाउ उसने शॉपकीपर को दिया 2000, तो रिटर्न अमाउंट क्या हो जाएगा, 2000 माइनस 1121.30. ठीक है, अब यहाँ तो 00 है तो बोरो करेगा तो उसको क्या मिलेगा, 100 में से ना 1 रुपया देगा तो उससे क्या मिलेंगे, 100 पैसे में से 30 पैसे माइनस हुए तो क्या बचेंगे, 70. ठीक है, नाउ अब इसने बोरो किया था तो इट्स बिकम 199. ठीक है, 9 से 1 गया 8, 9 से 2 गया 7, 9 से 1 गया 8 और यहाँ क्या आएगा, 1 से 1 0, मीन्स 878.70. ए इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन, देर आर थ्री पीसेस ए बी सी इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन बिलो. इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मीन्स की दिस डिस्टेंस ए एंड बी इज 2.4 × 10⁻⁶ मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेस बी एंड सी, मीन्स की दिस वन इज 5.2 × 10⁵ मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए टू सी. ठीक है, हमें यहाँ से यहाँ की फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले तो हमें दोनों की पावर सेम करनी होती है. तो जो 2.4 × 10⁶ लिखा है, इट कैन बी रिटन एज 24 × 10⁵. ठीक है, मीन्स कि अगर हम 10 से इसका एक जीरो पावर कम करते हैं तो वो 2.4 से मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक, एंड इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज 5.2 है, तो नाउ ऐड करते हैं तो इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 5.2 × 10⁵. पावर दोनों की ही सेम है तो पावर तो वही रहेगी 10⁵. पॉइंट के इधर सिर्फ 2 है तो क्या हो जाएगा 2.2. 24 + 5 क्या हो जाएगा, 29. नाउ आंसर देखते हैं, वो 5 में जो अवेलेबल है वो 292 है, मीन्स कि दिस इज रॉन्ग. तो नाउ अब हम इसको 2 की पावर 6 में लिखें. अगर हम 2 की पावर 6 में लिखते हैं, मीन्स डेसिमल को एक पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, देन दिस बिकम्स 2.92 × 10⁶ मीटर, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज हाउस रचित वेंट 12 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ. ठीक है, सबसे पहले तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन का क्वेश्चन है. तो डायरेक्शन हमारी साउथ, नॉर्थ, ईस्ट. ठीक है, नाउ रचित वेंट 12 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, लेट दिस इज हाउस, और वो 12 किलोमीटर जाता है, दिस इज 12 किलोमीटर यहाँ तक. ठीक है, देन 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, मीन्स वेस्ट किधर है, इधर 5 किलोमीटर इधर आया. ठीक है, ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रचित हाउस एंड हिज स्कूल, ऑब्वियसली दिस वन. ठीक है, तो नाउ दिस इज राइट एंगल, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेट दिस इज ए बी सी, तो ए सी विल बी इक्वल टू, पाइथागोरस यूज करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12² × 5² 12² इज 144 एंड 5² इज 25 एंड समीशन ऑफ बोथ विल बी इक्वल टू 169 एंड अंडर रूट ऑफ 169 इज 13. तो आंसर विल बी 13 किलोमीटर, मीन्स ऑप्शन ए. समर डिवाइड्स हिज वेल्थ अमंग हिज 3 सन्स साहिल, वरुण एंड अमित इन द रेशियो ऑफ 5, 3 एंड 7. इफ वरुण गेट्स ₹73,125 देन फाइंड द टोटल वेल्थ ऑफ समर. ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली लेट की एक पोर्शन है दैट इज एक्स, तो साहिल के लिए क्या हो जाएगा, साहिल इज इक्वल टू 5x. ठीक है, वरुण is equal to 3x और अमित is equal to 7x और इन सबका सम क्या होगा, समर का
इज इक्वल टू 15x, सबको प्लस कर लो ठीक। नाउ वरुण का दे रखा है 3x इज इक्वल टू 73,125। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x विल बी इक्वल टू 73,125 डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टू जो 6 बचा रिमाइंडर 1, 1 और 3 से 12 से 3 4 जा 12 बचा गया रिमाइंडर 1, तो 1 1 से 11, 3 3 जा 9, व्हाट इज द रिमाइंडर 2, 2 2 से 22, 3 7 जा 21, रिमाइंडर बचा 1, 1 और 5 से 15, 3 5 जा 15 ठीक है। दिस इज द वैल्यू x की। तो नाउ समर के लिए क्या हो जाएगी, 2 4 3 7 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 15 5 जा क्या होता है 15 5 जा 75 की 5 पावर आई 7, 15 7 जा 105 प्लस 7 हो जाएगा 112, यहाँ पे आई 2 पावर आई 11, 15 3 जा 45, 45 प्लस 11 क्या हो जाएगा 56, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 पावर आई 5, 15 4 जा 60 प्लस 5 65 की 5 पावर आई 6, 15 2 जा 30 प्लस 6 क्या हो जाएगा 36, मींस आंसर विल बी 3,65,625 रुपी, मींस बी इज द राइट ऑप्शन। अमृता परचेज अ रेक्टेंगुलर कलर पेपर शीट ऑफ लेंथ 222 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 138 सेंटीमीटर टू मेक ग्रीटिंग कार्ड्स, हाउ मेनी ग्रीटिंग कार्ड्स ऑफ स्क्वायर शेप हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर कैन शी मेक फ्रॉम इट। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि अमृता ने एक शीट परचेज की जिसकी लेंथ क्या है 222 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 138 सेंटीमीटर, इसका यूज़ करके उसे बहुत सारे कार्ड बनाने हैं और उस कार्ड का साइज मीन्स कि उसका वन साइड जो है 6 सेंटीमीटर है, तो कितने कार्ड्स बनेंगे, तो सिंपल है नंबर ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर, बिकॉज कार्ड जो है दैट इज स्क्वायर। नाउ इसकी लेंथ क्या है 222 इंटू 138, बिकॉज रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी एंड स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, 6 से डिवाइड किया 6 3 जा 18 बचा क्या यहाँ पर 4, 6 7 जा 42, यहाँ से 6 2 जा 12 और 6 3 जा 13। नाउ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन आप 30 कैसे करोगे, 23 इंटू 37 है, तो इसको सिंप्लीफाई आप क्या लिख सकते हो 23 इंटू 40 माइनस 3, तो थोड़ा इजी हो जाता है ना, जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 की 2 पावर आई 1, 4 2 जा 8 प्लस 9 920 हो गया, माइनस 3 से अगर हमने 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, वैल्यू क्या आ जाएगी 10 से 9 गया 1, 11 से 6 गया 5 और यहाँ क्या होगा 8 851, मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। अंकुश गॉट रुपीज 500 ऑन हिज बर्थडे, ऑन द नेक्स्ट डे ही गॉट रुपी 350 एज पॉकेट मनी फ्रॉम हिज फादर एंड स्पेंट रुपी 275 ऑन रिपेयरिंग हिज साइकिल, on the next day his sister gave him 170 as a reward, now how much total money will be left with him। तो जो उसे मिला means कि जो उसके पास credit हुआ उसको हम show करेंगे by plus sign और जो उसने spend किया उसको हम show करेंगे with minus sign ठीक है। तो सबसे पहले तो उसको 500 मिला means total 500, on the next day he got rupee 350 as pocket money means plus 350 done as pocket money from his father and spent minus spent 275 means spent him means minus 275 on repairing his cycle, on the next day his sister gave him rupee 170 mila use means 170 with plus sign, now how much टोटल मनी विल बी लेफ्ट विथ हर। तो इसको सॉल्व करो, सबसे पहले प्लस वाले 500, 350 एंड 170 इनको अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा ज़ीरो, ऑल ज़ीरो हैं, फिर 0 5 एंड 7 12 की 2 पावर आई 1, 1 प्लस 5 6 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, माइनस 275 इज इक्वल टू बोरो किया तो इट बिकम्स 10, 10 से 5 गया 5, बोरो लिया दिया था तो यहाँ क्या बचा 1, अब 1 से 7 जाएगा नहीं तो बोरो करेगा तो क्या हो जाएगा 11, 11 से 7 माइनस किया तो 4, अब बोरो उसने लिया था तो इससे लिया होगा तो ये 10 हुआ, 10 से 9 ठीक है, तो 9 से माइनस किया 2 तो व्हाट इज़ द वैल्यू 745, मीन उसके पास लेफ्ट है 745, मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर दिस।
Next question from Achiever section. The given bar graph shows the number of admissions taken by school A and B in science stream from 2017 to 2021. Study the graph carefully and answer the following question. First kya hai? Find the average number of admission taken by school A from year 2017 to 2021. नंबर ऑफ एवरेज एडमिशन्स से पहले तो ये है 40, देन यहाँ पर भी 40, यहाँ पे है 45, दिस इज 35, 30, ठीक है. तो क्या हो जाएगी, 40 के हमारे पास दो हैं, 1, 2, तो ये हो गया 40 प्लस 40 के बाद 45 का एक है, ठीक है, 45 के बाद 35 का एक है, 30 का. तो एवरेज के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, प्लस करते हैं 0 प्लस 0 0 0 प्लस 5 5 5 प्लस 5 10 की 0 पावर आई 1, 4 प्लस 1 5 5 प्लस 4 9 9 प्लस 4 13 13 प्लस 3 16 16 प्लस 3 19, डिवाइडेड बाई 8. वॉट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एडमिशन टेकन बाई स्कूल ए टू दैट ऑफ स्कूल बी इन ईयर 2018, 19 एंड 21 मीन्स की दिस वन, 19 मीन्स दिस वन, एंड 21 दिस वन. तो अगर हम स्कूल ए का फाइंड आउट करें तो वी हैव वैल्यूज. ए के लिए क्या हो जाएगा, इन 18 एडमिशन वॉज 40, ठीक है, 45 दिस वन, ठीक है, एंड इन 2021 एडमिशन वॉज 30. तो ऑल टुगेदर क्या हो गया, 5 का 5 4 प्लस 4 8 8 प्लस 3 11. तो ये हो गया ए के लिए. नाउ फॉर बी, बी के केस में यहाँ पर देखो 2018 तो सेम है, मीन्स 40, 2019 के केस में है 35, और 2021 में सेम है, मीन्स 30. नाउ रेशियो क्या होगा, रेशियो रिक्वायर्ड रेशियो इज ए मीन्स 115 डिवाइडेड बाय 105, ठीक है. नाउ इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं. नाउ सिंप्लीफाई करेंगे किसकी टेबल से, 5 की टेबल से. तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, यहाँ 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है, मीन्स रेशियो इज 23 बाई 21, और वी कैन से 23:21, ठीक, दिस इज़ द रेशियो. प्रीवियस आंसर वॉज 38 जो एवरेज वैल्यू थी, और ये हो गया रेशियो 23:21, मीन्स डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस. The given statement carefully and select the correct option. Statement 1. If 3m minus 2 is equal to 6 by 5 m plus 1, then the value of 3m is 5. So now check kar lete hain. Option mein given hai 3m minus 2 is equal to 6 by 5 m plus 1. Theek hai? So now inside change karte hain. 6 by 5 m को इस साइड लेके आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 3m माइनस 6 by 5 m, ठीक है, 1 को इधर ही रहने दिया, 2 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, ठीक है. एलसीएम, एलसीएम विल बी 5, 3 5 ज़ा 15 m माइनस 6 m इज इक्वल टू 3. फर्दर सॉल्व किया तो 15 में से 6 गए, 9 m, ठीक है, और 5 को अपोजिट साइड लेके गए तो 3 × 5 क्या होगा, 15, ठीक है. तो नाउ 3 की टेबल से अगर डिवाइड करें तो 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3m इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15, मीन्स ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स में ये होगा 5 टाइम्स में, 3m इज इक्वल टू 5, तो दिस इज ट्रू कंडीशन, ठीक है, पहला वाला क्या हो गया ट्रू. नाउ स्टेटमेंट 2, ए नंबर m इज 5 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ नंबर n. If the value of m is 49, the value of n is 16. तो क्वेश्चन में क्या मेंशन है, a number m is 5 less than 3 times of the
number n, means m is equal to 3 times of n minus 5. ठीक है. नाउ अब इन्होंने क्या बोला कि इफ़ द वैल्यू ऑफ m इज 49, ठीक है, मीन्स कि दिस इज 49 इज इक्वल टू 3n माइनस 5. ठीक है. नाउ 5 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, 3n इज इक्वल टू 49 प्लस 5. ठीक है. तो नाउ 3n इज इक्वल टू 54. ठीक है. n इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है. 3 वन ज़ा 3 और बचा क्या 2, 4. तो 3 एट ज़ा 24. स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स बिकॉज यहाँ 16 था, हमें क्या मिला 18. मीन्स स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, मीन्स सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो हमें यहाँ मैच करना है. तो इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो आपको जो सबसे ईजी लगे पहले उसे सॉल्व करो. तो मुझे जो सबसे ईजी लग रहा है दैट इज दिस वन, माइनस वन की पावर 4. माइनस वन की अगर पावर इवन होती है तो आंसर क्या होता है 1, अगर ऑड होती है तो आंसर क्या होता है माइनस 1. तो 5 है यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस 1. ठीक है. मीन्स मैंने क्या लिखा, माइनस 1 की पावर अगर 4 है तो दिस विल बी इक्वल टू 1, और माइनस 1 की पावर 5 है तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1. नाउ सॉल्व किया तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. नाउ मैच करने गए तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ देखो ये क्या लिखा है, 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1. 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2. सेम है ना, मीन्स r के साथ सेकेंड मैच करेगा. नाउ ऑप्शन देखो, r के साथ सेकेंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज c. c इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखते हैं हम. यहाँ क्या है 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर को हम टच नहीं करेंगे, उसको सेम ही रहने देंगे. इंटू 35 इज इक्वल टू क्या होता है 7 5 ज़ा 35. नाउ 35 की पावर 2 है तो 7 की पावर 2, 5 की पावर 2, मीन्स 7 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. यहाँ क्या है 9 की पावर 0, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 होता है. ठीक है. नाउ 49 मीन्स क्या होता है, 49 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर. तो यहाँ क्या आएगा 7 स्क्वायर इंटू 125 इज इक्वल टू होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 की पावर क्यूब. यहाँ क्या होगा 5 की पावर क्यूब मल्टीप्लाइड. देन है 45 का मीन्स क्या हुआ, 45 इज इक्वल टू 9 5 ज़ा 45, और 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3, फिर तो 5, और 3 इंटू 3 मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 5. यहाँ क्या आएगा 3 स्क्वायर इंटू 5. ठीक है. नाउ अब सॉल्व करते हैं, 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर कैंसिल, 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर से क्या हो जाएगा 5 की पावर 4. यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 5 की पावर 3 और 5, मीन्स इस 5 का मीन्स क्या है, 5 की पावर 1 है, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 5 की पावर 4, बिकॉज प्रोडक्ट में है, इंटू 3 स्क्वायर. तो 5 की पावर 4 से 5 की पावर 4 डिवाइड हो गई, तो यहाँ क्या आया 1. तो ये क्या आंसर आया 1/3 स्क्वायर. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, इसके साथ क्या मैच करेगा, इसके साथ 1 मैच करेगा. ठीक है, क्यू के साथ 1. तो ये देखो हमारे सी में क्यू के साथ 1, तो जो लास्ट बचा इसके साथ होगा. स्टिल मैं उसको सॉल्व कर देती हूँ सो दैट कि आपको सॉल्व करना आ जाए. जो 16 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, मीन्स नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स 2 की पावर 4, एंड उस टोटल की पावर क्या है 2x+3/2. ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या है 8. 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, मीन्स 2 की पावर 3 एंड ब्रैकेट क्लोज इस टोटल की पावर क्या है 2x/3+19/6. ठीक है. तो जब पावर की पावर होती है तो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, मीन्स नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा 2 की पावर को प्रोडक्ट करेंगे तो 4 का प्रोडक्ट 2 के साथ क्या हो जाएगा 8x, और +3/2 4 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3/2, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 +6. ठीक है, ये वाला डन हो गया. इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2 की पावर
नाउ इस थ्री का प्रोडक्ट जब फर्स्ट वाले टर्म 3 × 2 x / 3 के साथ होगा तो 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 2x, यहाँ क्या हो जाएगा 2x + 3 मल्टीप्लाइड विथ 19/6 है ना, तो 3 से ये कट हुआ तो यहाँ क्या आएगा 2, मीन्स की प्लस मीन्स क्या हो जाएगा 19/2। ठीक है, नाउ अभी देखो ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, मीन्स कि हमें इसे फर्दर सॉल्व करना होगा। ये दोनों ही सेम है बेसिस, तो पावर को हम इक्वल कर दें, तो पावर जब हम इक्वल करेंगे तो 8x + 6 = 2x + 19/2। एक्स को एक्स की तरफ लेके जाएंगे, 8x - 2x = 19/2 - 6। ठीक है, देखो करने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा हो जा रहा है, बट मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर आपका ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है तो आपने करने के लिए, ठीक है, अदरवाइज हमें ज़रूरत नहीं थी इसे सॉल्व करने की। 8x - 2x क्या हो जाएगा 6x = इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या होगा 2, यहाँ 19 - 12। ठीक है, क्लियर है, नाउ 19 में से 12 माइनस किया तो क्या होगा 7/2। क्लियर है, तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या है 7/2। नाउ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 और डिवाइड होगा, मींस यहां पर क्या आएगा 6 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 7 × 2 × 6 को क्या लिखेंगे 2 × 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/2² × 3, क्योंकि 2 क्या है 2 टाइम्स है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, वही जो बच रहा था वही आंसर आ रहा है, देखो यहाँ पर 2² × 3। ठीक है, तो दिस वॉज द सोल्यूशन, देखो हमें पहले ही स्टेप में आंसर मिल गया था तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि हो सकता है इंडिविजुअल भी इस तरह का क्वेश्चन है, दैट्स वाई। ठीक है, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। इन अ शॉप देयर आर 1500 ऑरेंजेस, इफ 45% ऑफ ऑरेंजेस आर रोटेन देन द नंबर ऑफ रोटेन ऑरेंजेस इज 675, मीन्स कि जो 45% है दैट इज इक्वल टू 675। वेरीफाई कर लेते हैं, 45% का मीन्स क्या हुआ 1500 × 45/100, है ना, ऐसे निकालते हैं ना, जीरो से जीरो कैंसिल, तो नाउ 45 × 15, 15 × 5 = 75 की 5 पावर है 7, 15 × 4 = 60, 60 + 7 क्या होगा 675, मीन्स ट्रू, तो आइदर ए और बी। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेटमेंट, इन अ स्कूल इफ 35% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड 260 स्टूडेंट्स आर बॉयज देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 150, तो हमें चेक करना है कि जो 35% है इज इट इक्वल टू 150, तो चेक करते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने लिखा है 35% ये है गर्ल्स हैं, तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग हुए मींस 100 का माइनस 35 किया तो वो क्या होंगे 65% बॉयज हो गए, नाउ 65 टोटल हो गए एक्स, और एक्स का 65% इज इक्वल टू बॉयज, और बॉयज का काउंट क्या है 260, तो फर्दर एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी होगी यहां से, तो क्या होगा एक्स इज इक्वल टू 260 है, 100 अपोजिट जाएगा तो मल्टीप्लाई, 65 अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड। ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, 5 की टेबल से यहाँ क्या आएगा 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, यहाँ क्या आएगा 5 × 2 = 10 और 20, 13 × 2 = 26 और 0 तो है ही, नाउ 20 × 20 क्या हो जाएगा 400, मीन्स टोटल एक्स की वैल्यू क्या हो गई 400। ठीक है, क्लियर हो गया ना, टोटल स्टूडेंट्स क्या है 400, तो गर्ल्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस बॉयज, मींस 400 - 260 इज इक्वल टू 140, मींस यहां पे तो 150 दिया है, हमारा क्या आया 140, मींस दिस इज फॉल्स, तो
पहले ही हमने देखा था कि ए या बी था, अब बी में से बी में फॉल्स है, ए में ट्रू है, तो बी इज द राइट ऑप्शन. हमें लास्ट वाला करने की जरूरत नहीं है, स्टिल हम कर सकते हैं. और वन मोर थिंग कि हम पीछे से भी शुरू कर सकते थे, सबसे इजिएस्ट वाला. नाउ 80% ऑफ 5 इज 4, तो 5 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100 सॉल्व करो. 5 टू जा 2 4 जा इज 4 मीन्स दिस इज ट्रू, तो बी इज द राइट ऑप्शन. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. अ वायर ऑफ लेंथ 352 सेंटीमीटर इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड. तो देखो जब हमने उसका सर्कल बनाया तो दैट इज पेरीमीटर ऑफ दैट सर्कल मीन्स 2 पाई आर इज इक्वल टू दे रखा है 352, तो पाई आर इज इक्वल टू क्या होगा 352 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 1 2 27 जा 14 और 26 जा 12. ठीक, नाउ आर हमें फाइंड आउट करना है, तो आर फाइंड आउट करने के लिए पाई से डिवाइड करते हैं. तो नाउ आर विल बी इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाई पाई. ठीक है, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 176 डिवाइडेड बाई 22 बाई 7, 7 जाएगा ऊपर, तो 176 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22. नाउ 11 की टेबल से 11 टू जा 22, 11 वन जा 11 और 11 सिक्स जा 66, 2 एट जा 16 और 8 इंटू 7 क्या हो जाएगा 56. आर इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर. नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका एरिया. एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाई पाई आर स्क्वायर मीन्स 22 बाई 7 इंटू 56 इंटू 56, 7 8 जा 56 मल्टीप्लाई करो आप 8 से. अगर हमने मल्टीप्लाई किया 56 को, दिस विल बी 8 6 जा 48 की 8 पावर आई 4, 8 5 जा 40 और ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड विथ 22. 22 से मल्टीप्लाई किया तो 22 8 जा क्या होता है 176, तो यहाँ क्या होगा 6 पावर आई 17. 22 4 जा 88, 88 प्लस 17, 88 प्लस 17 क्या हो जाएगा 88 प्लस 17 जब पावर ऐड करोगे 105. ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 पावर क्या बची 10. अगेन 22 4 जा 88, 88 प्लस 10 क्या होगा 98, 9856. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. दूसरा पार्ट हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर हमें मिल गया. स्टिल मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, मे बी आंसर दो होते तो. नाउ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस हैज टू साइड्स. पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू एंड क्यू आर 14 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. दिस इज 14, दिस इज 8 सेंटीमीटर. इफ द हाइट करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू इज 4 सेंटीमीटर, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ये होगी करस्पॉन्डिंग हाइट. लेट इसका पॉइंट ले लेते हैं एम और ये डिस्टेंस होगी 4. ठीक है, देन फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू क्यू आर, इससे ही स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे ये, तो ये क्या हो जाएगी, यही हमें फाइंड आउट करनी है. दिस एंगल फॉर्म 90 डिग्री, दिस फॉर्म ऑल्सो 90 डिग्री. ठीक है, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट. तो अगर हम इस फॉर्मूले से यूज करें तो ये बेस ये हाइट, यहां से करें तो ये बेस ये हाइट. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 4 बेस इंटू हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा क्यू आर इज द बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, इसको लेट नाम दे देते हैं एन एस एन. तो एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमें पता नहीं है, तो मैं सिर्फ एस एन ही लिखती हूं. ठीक है, नाउ एस एन को सॉल्व करो आप, एस एन विल बी इक्वल टू अपोजिट साइड आएगा तो 14 इंटू 4 पहले से था डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 8, 4 टू जा 8 एंड 2 7 जा 14, तो क्या वैल्यू आई 7. तो नाउ यू कैन सी डी में ऑप्शन क्या है 7, तो हमारे आंसर मैच कर गए. तो दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर. स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. इफ यू लाइक ऑल वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट ईयर. थैंक यू.